दोस्तों, कभी कभी हम जल्दबाजी में या गलती से यूपीआई से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि अब हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप इजी स्टेप के जरिए अपना फंड वापस पा सकते हैं। अगर कभी गलती से गलत यूपीआई या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो घबराए नहीं, फंड ट्रांसफर होने के बाद भी रिकवरी की जा सकती है। आपके द्वारा उपयोग किए गए भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूपीआई से ग्राहक सेवा से संपर्क करें, उन्हें सभी लेन देन डिटेल्स प्रदान करें और शिकायत दर्ज करें। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जरूरी है। लेन देन के 3 कार्य दिवस यानी कि 3 दिन के अंदर आपको शिकायत दर्ज करने से धन की वसूली की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पेमेंट प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर नंबर से संपर्क करने के अलावा अपने बैंक में भी शिकायत दर्ज करें, उन्हें गलत लेन देन के बारे में सूचना दें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। आरबीआई के दिशा निर्देश में कहा गया है कि गलत भुगतान की शिकायत दर्ज कराने के 48 घंटे के भीतर पैसा वसूल किया जा सकता है। अगर यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए गलत भुगतान किया गया हो तो सबसे पहले 1800-120-1740 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करें। बाद में अपने बैंक में जाएं और आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए फॉर्म को पूरा करें। अगर बैंक आपकी सहायता करने से इनकार करता है तो इस मुद्दे को भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास, जो हम आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिखा रहे हैं, उस पर अपनी शिकायत को भेज दें। ये जरूरी है कि आप अपने फोन से किसी भी लेन देन संदेशों को ना हटाएं। इन संदेशों में PPBL नंबर सहित आवश्यक जानकारी होती है जो शिकायत प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की वेबसाइट पर गलत भुगतान के संबंध में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित NPCI UPI सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।